अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए महज 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन लगातार जारी है। 2020 चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार दोनों ही नेता पूरी जी जान से लगे हुए हैं। साथ ही अमेरिका में बीजेपी ने चुनाव अभियान में पार्टी के आने पर चिट्ठी लिखी है। ऐसे में अब अमेरिकी चुनाव में बीजेपी का नाम आने पर पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है और अमेरिका में विदेशी मामलों को देखने वाले विभाग के प्रमुख विजय चौथाईवाला ने ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अमेरिकी सदस्यों को पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया में निजी तौर पर शामिल होने के लिए कहा है। विजय चौथाईवाला ने कहा कि ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी का हर सदस्य इस प्रक्रिया में योगदान दे सकता है, लेकिन सिर्फ अपनी निजी क्षमता पर। बीजेपी की अमेरिकी चुनाव में कोई भूमिका नहीं है। आपको बता दें, अमेरिका में भारतीय मूल के वोटर्स की तादाद 44 लाख के करीब है, जिसमें 25 लाख के पास वोटिंग अधिकार है। इसे देखते हुए दोनों ही पार्टियां भारतीय मूल के वोटर्स को लुभाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जो बाइडेन को मानसिक तौर पर बीमार तक बता चुके हैं, तो वहीं बाइडेन भी पीछे नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप पर अमेरिका को जंग में झोंकने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिकी चुनाव के प्रचार अभियान में रिपब्लिकन पार्टी ने भारतीय मूल के वोटर्स को लुभाने के लिए जो वीडियो जारी किया है, उनमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की 2 क्लिप्स भी शामिल की गई है। एक क्लिप पिछले साल ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी इवेंट की है, जबकि दूसरी क्लिप इस साल फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप के अहमदाबाद में हुए इवेंट नमस्ते ट्रंप की है।